कारखाने में इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। जी हाँ, सीएम फ्लाइंग की रेड एक तरफ और दूसरी तरफ इन बुजुर्गों का परेशान होना, ये बातें जो है आपके सामने पहुंचाई जा रही है। आज जो है आप देख सकते हैं कि पटवार खाने में जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग की रेड की जा रही है, वहीं पर एक बुजुर्ग जो है सामने आते हैं और बताते हैं किस तरीके से जो है उनकी रजिस्ट्री के लिए पैसे लिए जाते हैं और जिन पटवारी के द्वारा पैसे लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं पटवार खाना से जहाँ पर सीएम फ्लाइंग की आज रेड की जा रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर हमेशा ही जो है सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती रहती है और आज जो है पटवार खाना करनाल में जो है सभी चीज़ों की जनरल जो चीज़ें हैं रिपोर्ट से उनकी जांच की जा रही है और कुछ भी अगर गड़बड़ सामने आती है तो तुरंत ही जो है कार्रवाई करने की जो है यहाँ पर ठानी जाती है। जहाँ सीएम फ्लाइंग की जो है आज रेड की जा रही है और रेड के दौरान जितनी भी गड़बड़े पाई जाएंगी उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोग जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ही जो है वेट कर रहे हैं। लोगों को जो है ये परेशानी का सामना करना ज़रूर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है रेड पड़ी हुई है सीएम फ्लाइंग की, जहां पर सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है पटवारी आएंगे और उनका काम जो है किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि पटवार खाना में जहाँ पुलिस की टीमें जो है मौके पर पहुँची हुई हैं और कार्रवाई जो है की जा रही है सीएम फ्लाइंग के साथ, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। अगर आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कि कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई प्रूफ लेना है। पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की आजाद है, पब्लिक कुछ भी कह सकती है। आप पे भी आरोप लगते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं, किसी भी आरोप तो किसी भी लगा दो। हमने इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, रजिस्ट्री मांगी है। जैसे ही रजिस्ट्री अगर जो एज पर रिकॉर्ड ठीक होगी तो इसका काम हो जाएगा और उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। सर, कोई भी सीट पे नहीं होता है, बुजुर्ग बाहर बोल रहे हैं कितने कितने समय हो जाता है, पेड़ के नीचे बैठकर चले जाते हैं, कोई भी अपनी सीट पर नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि कोई पटवारी, क्योंकि पटवारी का इस पटवार खाने से अलग भी और भी काम होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया SOI का हमारे पास काम चल रहा है और कोर्ट भी होती हैं, फील्ड का भी काम होता है, जैसे खेत खाली है निशानदेही के लिए भी होता है, कुटकी करने के लिए जाते हैं, नीलामी करने के लिए जाते हैं। पटवारी हमारे पास कम होने के कारण इसीलिए कई बार दिक्कतें आती हैं कि भी समय पर नहीं मिलते। तो अभी इन बुजुर्ग व्यक्ति के कागज मंगाए जा रहे हैं, जैसे कानून को सामने लोगों ने कहा है कि आप अपने कागज मंगा लीजिए और अगर आपके कागज सही पाए जाएंगे तो अरे तरुण तो नहीं है, तू तो है, काजल तो है, रवलिया होगी, रजिस्ट्री दे देगी उनको, दुकान की तरफ दे देगी रजिस्ट्री। मेरी बात करवाइये, मेरी बात करवा, बात कहां से कोई लेते नहीं है तो चुप दे ले। आपने पैसे यही दिए थे? हाँ यही दिए थे। तो जी कैसे लेते हैं पैसे तो अपन ले लें, साइज में बराबर में लग कर ले लें, और पैसे कोई आमने सामने सामने थोड़े ले रहे पैसे। ना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन बुजुर्ग को 2 साल से धक्के खा रहे हैं और रिश्वत भी जो है ली गई है इनसे और अब रजिस्ट्री ये लेकर आएंगे तब जो है पूरी की पूरी कार्रवाई जो है सीएम फ्लाइंग के द्वारा जो है की जाएगी। क्या मांगा गया आपसे? रजिस्ट्री मांगी जी। कौन सी रजिस्ट्री? दुकान की रजिस्ट्री है जी। आप अभी ऑफिसर्स अधिकारियों के सामने कुछ एक पटवारी के नाम ले रहे हैं? हाँ वो तो होले जी, मैं तो रिटायर हो गए, हाँ है ही नहीं, मैं तो बेचारे जो नहीं दिए थे, मैं तो रिटायर हो चुके। कितने लोग थे वो? मैं तो थे, 3 थे जी। 3 थे। किस काम के लिए दिए थे आपने? यही काम के खाता दिए थे जी अपने, और क्या खाता, सब अपने काम खाता। कितने पैसे थे? एक को 4,000 रुपए दिए, एक को 2 दिए। कितना समय पहले? ये तो कई महीने की बात होगी, ये साल लोग हो गए, प्रमोद को तो हो गए कई साल, रिटायर तो वो तो रिटायर भी हो गए। हाँ बकर ही नहीं जी काम उन्होंने मेरा, तो काम वही काम अब तक नहीं हुआ ना, रिटायर। आरोप आप अब लगा रहे हैं कि 3-4 साल पहले आपने पैसे दिए थे? हाँ तो पहले कभी नहीं, तो पहले रजिस्ट्री करी जी, वो तो काम ही नहीं हुआ मेरा, तो उन्होंने कहा तो कंप्यूटर रजिस्ट्री उठाता ही नहीं तेरी, यही नहीं तो फिर पैसे क्यों लियो? ले लिए बस, ले ले जी चुप दे ले लें पैसे, तो अभी आदमी अपनी जरूरत को दे रहे सब आदमी। तो काम अब तक नहीं हुआ वो वाला? नहीं वो नहीं हुआ, वो तो पेंडिंग में पड़ा। तो अब आपसे आज डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं? डॉक्यूमेंट मांगे, मैं दे रहा ले आकर। तो डॉक्यूमेंट ला के घर से दे रहे हैं और जो काम है कि अभी भी 2 से 3 साल से
तो देख सकते हैं आप इन बुजुर्ग के द्वारा जो है अभी रजिस्ट्री जो है लेकर आई जाएगी और किस तरीके से इतने सालों से ये धक्के खा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने जिस पटवारी को इन्होंने पैसे दिए थे वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटवार खाने में इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। जी हाँ, सीएम फ्लाइंग की रेड एक तरफ और दूसरी तरफ इन बुजुर्गों का परेशान होना, ये बातें जो है आपके सामने पहुंचाई जा रही है। आज जो है आप देख सकते हैं कि पटवार खाने में जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग की रेड की जा रही है, वहीं पर एक बुजुर्ग जो है सामने आते हैं और बताते हैं किस तरीके से जो है उनकी रजिस्ट्री के लिए पैसे लिए जाते हैं और जिन पटवारी के द्वारा पैसे लिए जाते हैं वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है सीएम फ्लाइंग के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने जो है रजिस्ट्री मंगाई है, अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनका काम भी किया जाएगा, ऐसा आश्वासन फिलहाल दिया गया है। आपसे अपील करेंगे वोट्स न्यूज इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।